प्यारे बच्चों, आज हम अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस अवसर पर गुरु द्रोणाचार्य की भूमि गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों, सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि मैं उस राज्य का मुख्यमंत्री हूं जिसका जवान और किसान भारतवर्ष की पहचान है। मेरी छाती उस समय गर्व से फूल जाती है जब मैं दिल्ली जाकर सुनता हूं कि भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां व्यक्ति हरियाणा से संबंध रखता है। भाइयों बहनों, देश की आजादी के आंदोलन में हरियाणा का बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान रहा है। दक्षिण हरियाणा के नवाब अहमद अली खान, जाड़सा के चौधरी बख्तावर सिंह, बादशाहपुर के रामसुख, बदलू जाट व अजमेर खान की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। मेरे हरियाणा वासियों, भाइयों बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, मगर उनके प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखा सकते हैं। राज्य सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसलिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का हमने सरकार में गठन किया है और सैनिकों के आश्रित परिवारों को दी जाने वाली एस ग्रेशिया ग्रांट, ये भी हमने 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के शिकार घायल सैनिकों को दी जाने वाली राशि में निशक्तता के आधार पर 10 से 15 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की पेंशन भी हमने बढ़ाई है, इसमें लगातार वार्षिक वृद्धि की जाती है। अब स्वतंत्रता सेनानियों व आईएनए के सदस्यों की प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को भी राष्ट्रीय एवं राजकीय पर्वों पर आमंत्रित किया जाता है।